नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। गंगा यमुना में कल शाम उफान आने से तटवर्ती इलाकों में हड़कंप मच गया। नागवास्तु के पास झोपड़पट्टी में रहने वाले दर्जनों परिवारों ने गृहस्थी समेट ली, जबकि तीर्थ पुरोहितों की चौकिया हनुमान मंदिर से लेकर बेनी बांध और परेड में लग गई। गंगा 4 सेंटीमीटर, यमुना 3.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वृद्धि होने के कारण कछारी इलाकों में पानी प्रवेश करने लगा है। बाढ़ का खतरा पैदा होने के साथ ही NDRF को सतर्क कर दिया गया है। आश्रय स्थलों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिस गति से पानी बढ़ रहा है उससे आज शाम तक बड़े हनुमान मंदिर में गंगा के प्रवेश की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की वजह से चंबल, केन और बेतवा में उफान आ गया है। इन सहायक नदियों से लगातार यमुना में भारी जल राशि आ रही है। इससे सोमवार को उफान यमुना में आया। यमुना के जलस्तर में 3.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वृद्धि होने से लोग सकते में आ गए हैं। सिंचाई बाढ़खंड के अभियंताओं ने देर रात यमुना के जलस्तर में तेजी बने रहने के संकेत दिए हैं। उधर गंगा में भी 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वृद्धि होने से शिवकटी, बेली, चांदपुर, सलोरी, बघाड़ा, रसूलाबाद समेत अन्य कछारी इलाकों की बस्तियों में पानी घुसने लगा है। इसी के साथ लोग गृहस्थी समेट कर सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे हैं। जल स्तर तेजी से बढ़ने की वजह से संगम क्षेत्र पूरी तरह खाली कर दिया गया है। देर रात तीर्थ पुरोहितों की चौकिया बेनी बांध पर लगा दी गई है। सिंचाई बाढ़खंड के कंट्रोल रूम के मुताबिक सोमवार की रात 8 बजे पापामो में गंगा का जल स्तर 80.69 मीटर और छतनांग में 69.77 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जबकि नैनी में यमुना का जल स्तर 80.34 मीटर रिकॉर्ड किया गया। उधर बांधों से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। खबर जगत के लिए प्रयागराज से विनोद कुमार की रिपोर्ट। पुरानी और भारतवर्ष की अखंडता, भारतवर्ष की खुशहाली के लिए तिरकाल प्रयाग में जब बाढ़ आती है तो खुशियाँ बढ़ाई जाती है। अन्य स्थानों में बाढ़ आती है तो लोग परेशान होते, पर यहाँ जब बाढ़ आती है तो बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि हनुमान जी महाराज स्नान करते हैं, बजरंगी में बलि स्नान करे, गंगा मैया की गुदिया में या लोकल सोहर गा करके, गीत गा करके हनुमान जी को स्नान कराया जाता है। भगवती गंगा 3 किलोमीटर का परिक्षेत्र त्याग करके प्रयागराज में हनुमान जी को स्नान कराने आती है। पूरा मंदिर जलमग्न होता है, बड़ा आनंद का विषय होता है। पूर्वज हमारे संतों का ये मानना है कि अगर हनुमान जी स्नान कर लेते हैं तो वो वर्ष बहुत खुशहाली का होता है, वो वर्ष बहुत सुखद होता है। इसलिए हनुमान जी का स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और अगर कोई वर्ष हनुमान जी गंगा स्नान नहीं करते हैं तो वो वर्ष कहीं ना कहीं से दुखी और कष्टदायक होता है। इस बार वैसे ही उन्हें बहुत कष्ट देख लिया है, COVID-19 ने बहुत परेशान करके रखा हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर हनुमान जी स्नान कर लेते हैं तो खुशखबरी होगी कि देवताओं ने हमारी आराधना को स्वीकार किया है, भगवती गंगा ने हनुमान जी को नहाया है। इसका मतलब ये है कि आने वाला समय खुशहाली रहा। कोरोना से भी राहत मिलेगी और तमाम प्रकार की समस्याओं से जो विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं वो भी खत्म होंगे। और हमारी भगवती गंगा से प्रार्थना की माँ आए और हमें आश्वस्त करे कि संसार में शांति कायम होगी, युद्ध हारेगा, मानवता जीतेगी। इससे पहले कई दिनों से गंगा का बाढ़ आया था। 2 दिन पहले गंगा का बाढ़ थोड़ा धीमा पड़ा था, लेकिन कल से ये देखा गया है करीब करीब 4 फुट पानी ऊपर की तरफ आया है। और गंगा के ऐसे बाढ़ में रहने से जो ये आसमान की टीलियाँ उतरा रही हैं, मुझे तो ये लगता है और पूरे भारत में पानी वानी गिरे हैं, पूरे विश्व में गिरे हैं। और ऐसा ना हो कि यहाँ बाढ़ आ जाए, लोग सोच भी ना पाएँ जैसे हम आप पहले सोचा करते थे। कोरोना जैसा महामारी फैला हो, इस पर क्या कहेंगे आप? कोरोना का महामारी फैलाया नहीं, फैलाया गया है। हम आप दूरी बनाए रहें, हाथ धोते रहें, रोटी दाल खाते रहें, बस कोरोना भाग जाए। परिचय बताइए। परिचय, मेरा नाम टीपू परिशंकर पाठक, बॉस गुरु त्रिवेणी का पंडित जी।